अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं अभी की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि पैदल जाना सुनने से और सुबह सुबह है, अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है साथ पैदल चलने का और तकबीरें पढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं पीछे स्मार्ट सिटी भी सारी बंद पड़ी हुई है और लोग जो हैं जल्दी जल्दी गोवा पार्क की तरफ जा रहे हैं और मैं भी उसी की तरफ जा रहा हूँ। सांस थोड़ा चढ़ गया मुझे। जहाँ पर मैं आपकी एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। तो गाइस बात कुछ ये थी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और गाइस वबा को हमसे दूर करें जल्दी से जल्द। आप लोग एक दूसरे से मिलने से गुरेज करना ज़रा, और ये मास्क का और जो है ना ग्लव्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। मौत का किसी का कुछ पता नहीं है, लिखी हुई है वो तो ऐसे ही, लेकिन ये है कि एहतियात ज़रूरी है, आप सब लोग एहतियात करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी हम जा रहे हैं, 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम, और हमारे इधर गोलपारा में 6:30 बजे ईद होनी है, ये आप देख सकते हैं। अभी एक तकबीरें की आवाज़ें आपको आ रही होंगी और मैं भी चलता हूँ, जाके तकबीरें पढ़ता हूँ और सब इकट्ठा करते हैं। यही मौका है, रमजान तो गुजर गया वैसे भी, तो चलो चलते हैं। बैस बात कुछ इस तरह की, हमें इधर ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा, सारे दरवाजे लाख के होंगे और अभी यहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो गाइस हम पार्क में पहुंच गए हैं, अभी ईदगाह की नमाज पढ़ेंगे शुरू करेंगे, थोड़ी सी आवाज में भी आकर बैठी है, तो अभी हम ईद में शामिल हो जाएंगे। हाँ जी, तो अभी हम हैं ईदगाह वाली जगह पर खुले मैदान, अभी लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो टाइम हो गया 6:06 हो गए, तो अभी है 24 मिनट है अभी, तो तब तक के लिए हम थोड़ा सा बैठ ही लेते हैं। मोतिया लगा हुआ, ईद है आज, ईद मुबारक सब मेरे सब 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 यूट्यूबर दोस्तों को और व्यूअर्स को, हर एक बंदे को आज ईद मुबारक, वो भी फहद सुल्तान की तरफ से। अभी सूरज काफ़ी निकल आया है, खुश्क मौसम है आज, बेहतरीन मौसम और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने मुकर्रम मस्जिद है, वहाँ पे भी हो रही है ईद, ईद हो रही है वहाँ से भी। यार कहीं बैठ जाते हैं, थक के आऊँ मैं, चल चल। कहते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए काफ़ी सारी बातों की जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक है। और अभी मुझे बातें करनी है आपसे बहुत ज़्यादा, कवे कैसे चमचमा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज ईद है, कवों को भी पता लग गया कि आज ईद है और वो भी बड़ा खुश है, परिंदे साहब भी उड़ रहे हैं इधर उधर। यार मुझे इतनी खुशी है आज ईद है, मैं सोच नहीं सकता, पर एक गमी भी है। सोचा था पूरे 30 रोजे हो जाएंगे मगर ये नामुमकिन हो। आप लोगों ने कौन कौन सी ड्रेसिंग पहनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आज चेक वाली रेड ब्लैक शर्ट पहनी और ब्लैक पैंट, सब ब्लैक शूज और कैसियो की घड़ी पहनी है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या पहना था। आज खाली पड़ा हुआ है गोल पार्क का, सब लोग वहाँ जमा है वहाँ, और वो जो दरवाज़ा आपको खुला नज़र आ रहा है ना, वो वाला वो जो, और ये जब ईद होती है तब भी कभी खुलता है, वरना तो ईद पे भी नहीं कभी खुलता। अल्हम्दुलिल्लाह, वल हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुभान अल्लाह।
हमारे मोहल्ले में, हमारी मतलब मालटोन में इस तरह की ही ईद होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे नमाजी जा रहे हैं और ईदगाह में काफ़ी रश था। तो ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम मोहम्मद है, और अभी आप ये देख सकते हैं इधर कितना रश लगा है। हम अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाएंगे, तो काफ़ी रश लगा हुआ है, नमाज पढ़ ली है मोहम्मद। तो अभी हम बाहर निकल आए हैं, मैं बाहर आ गया हूँ, अभी हम जा रहे हैं घर, ऐसा ऐसा चलते हैं। आप मेरे साथ साथ रहिए, आप देख सकते हैं कितना रश है। अभी घर की तरफ जा रहे हैं, तो पैदल ही जाना है वैसे भी, तो बड़ी ज़्यादा निकल गई है, 7:20 हो गए हैं, फुल ज़्यादा गर्मी निकली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। आप लोग कहाँ ईद पढ़ते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ कहाँ जाएंगे आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी जा रहा था, देखो पागल कैसे गुजरा है, ईद की आई है तो खुशी होने लग गए, बंदा आराम ना जाता है यार। मेरे पाँव में ना चोट लग गई है, चला ही नहीं जा रहा। और वीडियो का इख्तिताम फिर यहीं पे करते हैं अभी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो जल्दी से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताना आप। इसी के साथ पास सुल्तान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।